What?
दूसरा प्रोग्राम वो मकम हजरात के तासुरात होंगे और तीसरा प्रोग्राम जो हुक्काज इस मदरसे से इंसान फारिग हुए हैं उनके सर के ऊपर सारे फजीलत रखी जाएगी और उसके बाद में हजरत वाला जनाब हजरत मौलाना सैयद मुकर्रम हुसैन साहब दामत बरकातुहुम आलिया की दुआ पर ये जलसा खत्म हो जाएगा। चुनांचे उस रजिस्टर के अंदर भी जरूर अपनी शिरकत दर्ज फरमाएं। अब आप हजरात को इजाजत दी जाती है, आप हजरात खाना सलामत फरमाएं, हजरत दोहा आराम फरमाएं और 2:30 बजे नमाज जोहर के लिए फिर इसी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए और जोहर के बाद इंशाल्लाह दूसरी मस्जिद का आगाज जिसके कब्जे में शम्सो कमर जिंदो बशर अर्दो फलक दर्रो बहर सब उसके काबिल और मुहताज है। अब मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसका इशारा रहा है जब भी किसी मस्जिद का वो आराम करते हैं तो उसके लिए वो किसी सदाकत के लिए किसी सदा को मुंतखब कर लेते हैं, इसलिए कि कोई काफिला और कोई जमात उस वक्त तक अपने मंजिल मकसूद को नहीं पहुँच सकती जब इसकी तारीफ के लिए मैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सोहन साहब को दावत देता हूँ कि वो इस अदालत की तारीफ फरमाए। मंसब के लिए बहुत ही लायक है, मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में तारीफ करता हूँ और मुफ्ती मोहम्मद अर्शद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने इस प्रोग्राम की कार्रवाई बहुत जल्दी के साथ आगे बढ़ाई जाए क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं देता। अब हम इस मजलिस का एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो तमाम किताबों में शामिल मुकम्मल है जिसकी अफैलियत तमाम किताबों पर है। मैं बगैर किसी तमकीन के जनाब कारी मोहम्मद याकूब साहब को कहा कि इस नूर से पाया हम नुआ का मंदिर का Oh!
Yeah.
Thank you.
You